गोताखोर भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के लगभग 30 गांवों में भयंकर दहशत फैला रखी है। पुलिस पीएसी और वनकर्मियों की भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर भेड़िये गांव में घुस रहे हैं। इन भेड़ियों ने अब तक 10 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 30 से ज्यादा घायल है। सोमवार की सुबह हरदी थाना क्षेत्र के गरेठी गुरदत्त सिंह पुरबा गांव की एक 2.5 साल की बच्ची अंजलि को भेड़िया घर से उठा ले गया और मार डाला। नेपाल बॉर्डर से सटा यूपी का जिला बहराइच तराई क्षेत्र का हिस्सा है। बाढ़ प्रभावित इस इलाके में भेड़िये अपनी मात से निकलकर आबादी में घुसने लगे हैं। अब वे आदमखोर हो चुके हैं और महसी तहसील क्षेत्र समेत आसपास के कई इलाकों में लगातार हमले कर रहे हैं। इस साल मार्च से शुरू हुआ भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसने ग्रामीण इलाकों में खौफ का आलम व्याप्त कर रखा है। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, तब जाकर कहीं 4 भेड़िये पकड़े गए हैं। बाकी भेड़ियों को पकड़ने की कसरत जारी है। गांव में ये भेड़िये झुंड में घुसते हैं। इनके नेचर के आधार पर शुरुआत में माना जा रहा था कि ये एक ही झुंड है जो आसपास के कई गांव में हमला कर रहा है, लेकिन 4 भेड़िये पकड़े जाने के बाद भी हमलों का जारी रहना ये दर्शाता है कि यहाँ इससे अधिक भेड़िये हैं। इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग ने 12 टीमें लगा रखी हैं। 2 कंपनियां पीएससी के तैनात हैं और पुलिस भी दिन रात कष्ट कर रही है। सोमवार की सुबह हरदी थाना क्षेत्र के गरेठी गुरदत्त सिंह पुरबा गांव में 2.5 साल की अंजलि अपनी मां के साथ सो रही थी। भेड़िये ने घर में हमला कर दिया, मां के पास से अंजलि को उठा ले गया, उनकी मां पर भी हमला किया। इसके बाद अंजलि का शव गांव के बाहर बरामद हुआ है। घटना ये हुई 3:30-4 बजे टाइम में उठाया गया बच्ची को। 8 दिन से प्रशासन को मैंने फोन कर रहा हूँ, प्रशासन कहता है वीडियो बना कर भेजो, हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं होती है, न कोई आता है, न पंच, न प्रधान, न गांव का कोई यहाँ आता नहीं है सर, कोई नहीं आता है साहब। सीधी बात है साहब, कोई नरिंजर आवे यशो का फोन। कैसे, क्या बच्चा कहाँ सो रहा था? ये बच्चा घर में सो रहा था, पल्ला नहीं लगे थे उसी, पल्ले नहीं थे, मुर्दार आदमी था, कहार था जात का, कोई उसका सुनवाई नहीं है साहब हमारे गाँव में। उधर कोटिया मजरा बारी बीघा गांव की 60 साल की कमला देवी पर भेड़िये ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें भी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बहराइच के इस हिस्से में भेड़ियों के डर से सारी रात ग्रामीणों का रतजगा चल रहा है। ढोल नगाड़े के साथ ग्रामीण रात रात जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। दरअसल इस इलाके में भयंकर आर्थिक असमानता देखी जा रही है। अधिकांश ग्रामीणों के कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां हैं। भेड़िये यहां आसानी से घरों में घुस जाते हैं और हमला कर रहे हैं। बंद घरों में शायद उनके हमले सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में वन विभाग की टीमें, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ भेड़ियों को पकड़ने की कवायद में जुटी है। 4 भेड़िये जरूर पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों के बीच से भय खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए भी क्योंकि भेड़ियों के ताबड़तोड़ हमलों में यहाँ लोगों की जाने जा रही है। अमृत विचार के हमारे सहयोगी मनोज अवस्थी ने भेड़ियों के आतंक से प्रभावित गांव का दौरा किया है, ग्रामीणों से बातचीत कर वहां के हालात समझने की कोशिश की है। मैं इस समय महसी क्षेत्र के दरिया कुट्टी गांव में मौजूद हूं, जहां पर जो है आज सुबह 4 बजे भेड़िये के हमले से जो है एक व्यक्ति घायल हो गया है। उन्हीं के घर के पास मौजूद हूँ और हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जबकि महसी क्षेत्र में 8 बच्चों के सहित 9 लोगों को जो है आदमखोर भेड़िया मौत के घाट उतार दिया है और जो है 45 से अधिक लोगों को जो है घायल कर दिया है। तो आज हम उसी जगह पहुंचे हैं, आइए हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से और जो है उनका घर दिखाते हैं कैसे क्या हुआ है। और ये है पीड़ित परिवार का घर, आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उनका तो पति जी का क्या नाम है? कुन्नूलाल। तो हमला जो हुआ है कितने बजे हुआ है रात में, वो कैसे है मामला, क्या? 4 बजे जी, और मैं तो मंजी पर ही रहा, क्या कहा था अंदर जी। तो वो चले गए बाथरूम का, और मुंह से पी आए, बैठ कर तमाकू बनावे लगे, हमला कर दिए। तो इस समय वो जो है कहाँ पे हैं? अस्पताल में, महसी अस्पताल में एडमिट है, इलाज चल रहा है। तो ये है आप देख रहे हैं, ये है घर और ये है दरवाजा, ये दरवाजा है, जबकि वो जो है बाहर सुबह 4 बजे बाथरूम के लिए निकले थे और वहाँ से वापस हुए और जो ही अपनी चारपाई पर बैठे और दौड़ करके जो है भेड़िया आया, पीछे से गला पकड़ लिया,
सूचना के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि वो दो मिनट चार मिनट जो है बराबर उसे आमना सामना करते रहे। इसके बाद में भेड़िया यहाँ से निकला है। हमारे बीच में जो है यहाँ की ग्रामीण भी कुछ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला यहाँ का जो है। कुछ बाथरूम से आए वापस लौट करके तो बैठ गए और गेट खुला रह गया और तम्बाकू बनाने लगे और पीछे से आया भेड़िया और तब से नटी पकड़ लिया। जब वो नटी पकड़ लिया तो ये पहुँचे, थोड़ा बैठे थे लेकिन तो थोड़ा उजट बैठे हैं, उसका जबड़ा ऊपर से नीचे से पकड़ लिया खूब कसका। जब नीचे जो हुआ जब दौड़े जब चिल्लाए तब सब लोगों ने दौड़ा तब उसने छोड़कर भाग गया। तो यहाँ जो है बराबर पहरा भी लग रहा है, पहरे में जो है उस समय लोग यहाँ नहीं मौजूद थे, क्या है पहरा लग रहा है? नहीं पहरा लग रहा था, चार बजे के बाद, चार बजे वो पकड़ के लोग यहाँ पहरा लगा देते हैं, वो चार बजे चले गए कि हम लोग जाते हैं जा रहे हैं अब जाते रहना। तो हम लोग केवल लेटे थे, अब हल्का नींद लगी कि तुरंत वन विभाग वाले यहाँ बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, उनके द्वारा क्या कार्य हो रहा है? 5 मिनट के लिए आते हैं लेकिन लूज रहते हैं, आते हैं और झूठ साथ अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही यहाँ की जा रही है? जाल लगाया जा रहा है, पिंजरा जाल पिंजरा कुछ नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, केवल आते हैं बस, न जाल न पिंजरा न कुछ नहीं। मैकोपुरा ग्राम पंचायत में एक घटना घटी है दरहिया कुट्टी में, क्या है मामला, किस प्रकार से आपको सूचना प्राप्त हुई? हमको सूचना सबसे पहले इस गांव से गई थी रात में 10:30 बजे जी, कि एक कोई जानवर आया है जी। तो हम तुरंत पहुंचे यहां पे, तो हमारी एक पूरी टीम है 40-50 लोगों की, प्रत्येक गांव में हो जाती है जी। हम लोग भी पहुंचे यहां, तो लोगों ने बताया, लोगों ने उसको घेराबंदी भी की थी, घेराबंदी की, लोगों ने बताया भी कि उसको हमने देखा है। फिर 10:30 बजे हम लोग थे, DPO साहब थे और डिप्टी रेंजर और रेंजर, ये सभी लोग थे यहीं पे। यूपी में एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो तराई के दूसरे हिस्से जिला लखीमपुर खीरी में बाघों की दहशत। बाघ के हमलों में एक महीने के अंदर कम से कम 3 लोग जान गंवा चुके हैं। बाघों के डर के कारण ग्रामीण रात में मशाले लेकर अपने गाँव की रक्षा कर रहे हैं। हैदराबाद थाना क्षेत्र के इमलिया और अन्य गाँव के ग्रामीणों की डर के कारण नींद उड़ी हुई है, रात में लाठी डंडा लेकर गांव में खुद ही कॉम्बिंग कर रहे हैं। इमलिया गांव में बाघ ने 27 अगस्त को गांव के अमरेश कुमार पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे इलाके में बाघ का डर देखा जा रहा है और ग्रामीण खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए रात रात भर जाग रहे हैं।